एक तरीके का कोठा है ना, ये एक बुनियाद उते खड़े थिया। ये तो सामने देखो, ये सारा जो खला है, ये एक पिलर है जरा अंदर वाला सारा स्पोर्ट, मतलब ये जरा पासा है ना सारा, क्योंकि अंदर तुम देख सकते हो तो कोई स्पोर्ट कह रही, ये एक पिलर एक स्पोर्ट दिख रहा है। अगर ये एक पिलर खुदा ना खासा ढह करो ना, अद्धी तो ज्यादा कोठी तबाह थी ऐसी। ये देखो ये पिलर को भी अद्धे को ज्यादा है, सारा सारा डेंट आ गया। ये भी गली खड़ी है, कई टाइम ये ढह सकते हैं। बस ये एक इशा एक जरी सीमेंट वाली नवी लाइन है ना, ये देखो यहाँ चीज एक बचाई खड़ी है। अगर ये चीज त्रुट दी है ये मकान का ये हिस्सा वेना पे, क्योंकि सामने देख सकते हो ये सारा सारा खड़े टुटा। ये देख सकते हो, ये देखो एक पिलर दी ऊपर सारा सारा खड़े टुट मकान अंदर बड़ी खाना। ये देखो ये कैसे टाइम भी ठहर सकते, क्योंकि उत्तो कोई सपोर्ट कह नहीं। अगर ये पिलर को खुदा ना खास्ता अगर किडो भी थोड़ा जहाँ भी अगर कोई धिक्का वगैरह कोई तेज लग पड़े ना, ये कोठी को पूरा ठवाई वैसी मेरे अंदाज तब, क्योंकि अगर चार होने ना सतून एक मकान दे, चार सतून ही दे कह नहीं, चार सतून पहले करो डटे खड़े, एक सतून दे कमरा खड़े दिया असा तो कोठा आ सकते, क्योंकि 70 साल पुराना है। तो एक सतून सतून दे जिम्मे में तो दिसे ना यो कोठा खड़े थे, अगर वो एक सतून भी ना रहे ना ये कोठे दर होने का कोई मतलब कह। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज, यूट्यूब चैनल यू ए विलागर। इस वक्त मैं मौजूद हाँ एक एनजी को घर बैठा खड़ा ना, जरा इस टाइम 70 साल भी पुराना है। 70 साल तो मैं आखना उन्दे को भी थोड़ा ज्यादा पुराना हो सी, क्योंकि तुम देख सकते हो ना ये जरे वे बहु इन्हें जो बुजुर्ग हैं ना, एक घर उन्हें बढ़ाया। तो असा उन्हें को पूछे भाई ये घर कितने साल पुराना है, वो साकू मतलब उन्हें जितना मतलब अंदाजा आई ना उन्हें कि भैया 70 साल पुराना है, क्योंकि 70 साल पहले सारे बुजुर्गों को बढ़ाया। तो हम तो मैं मतलब जेरे उन्हें मटेरियल लगे खड़ा ना पहले जमाने वाले, तो मैं पहले वो दिखाऊँ चाह फिर तू एक तरीके का मतलब जिम्मे बिलीव करे सो एक तरीके का। ये हम देखो जब सामने ये हम इतना बांसा वगैरह दिता खाने वगैरह, इतना गार्डन वगैरह कोई नहीं, इतना काठा नहीं होने एक तरीके दियाँ खजी वाले मोटा मोटा जो काठा होना ये उतना दिता गया। यहाँ तो सामने देखो इतना सारे बांसा वगैरह अंधेरा है, तो थोड़ा निजरदा नहीं पे मैं आप ही थोड़ा सुबह का बोला को टाइम है। देखो ये हम देखो ये हम सारी गारे के नाल बड़ी हुई है, इन्हें एक दू थी बस इतनी थोड़ी सिली दी इतना वाला देखो ये थोड़ी जी सीमेंट वाली एक तरीके की दी हुई है, ये हूँ दी ने बिचो जो ढांदी पी जा हूँ देखो अद्धे को ज्यादा ढट्टा खड़े एडो वाला सारा इधर सारा खिलाफ पै गया। और सामने उत्तों देखो सारा खाने वगैरह भी ढाण लग गया। तो हूँ भी आ इतना चंगा भलिया तो मैं चीज़ा निकाला। ये देखो ये उन्हें तो अपना वो लाते दिया लाइट एक बार बल वजिया ना बल पी मजा आ वजिया। ये जरा जितना वो भाजी वगैरह रख दें तो एक काने की एक हेटो वो बढ़ा के उन्होंने उत्ते काने वगैरह टांग के पीछे भाजी उतरे रख दें, तो भाजी खट्टी वगैरह न थी खराब न थी फो ना स्मेल ना पैदा करे। तो उस तक मैं दिखे ना ये सारे उत्तर छोटे छोटे सुराख भी दिखे हवा वास्ते, ये हिक ये हिको है भी देखो अजा तीन दीवार इतनी कच्चा है ना। मैं आखना बारो जरा इन सहन वगैरह सामने से देख सकते हुए इतना भी छोटे एक तरीके का वो लगे हैं पत्रियाँ जो अस खिड़किया वगैरह आते हैं अपने उन्दे सरेकी ने खिड़किया भी से आते दरवाजा खिड़किया। तो हूँ वाला जुलते पे इन जो गुलखाने वगैरह बने हुए ना उतना पीछे जुलते पे जिता है अपना मुर्गियाँ वगैरह तो अपना चीज़ा वगैरह बदलना तो ये उतना ये हम देखते हो तो सामने ये एक तरीके का गुलखाना है। ये तस्वीर को कुछ नहीं निजरती ये वाला वो है वाशरूम है ठीक है ना। ये उन्हें तो मतलब वाशरूम बड़े गए इतना भी कोई अपना सिलसिले थोड़ी दिता गया, क्योंकि हूँ बनाए ना जरा उन्होंने वो आदि ना अस उन्हें कह भाई तुम अपनी जा बढ़ाओ अपना ई करो उन्हें कह भाई सारे बुजुर्गें की जा असा एक उन्हें बढ़ा सकते। ये तो मैं दिखे ना पे छत तो सामने से देख सकते कड़ी एक पाती कड़ी है सामने एक कड़ी है और एक बांसा वगैरह सारे टुटिया खड़े वो मतलब यार डेलियाँ खड़े एक तरीके का वो यार ये मकान को इस तरह नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उदन सारे बुजुर्गों की जी है ना ये आखिरी निशानी है। तो उन्हें तो मतलब हत्थों के नाल मतलब एक रहाए हुए इतना कोई दरख्त भी मौजूद हैं जो अस उन्हें आखिरी निशानियाँ भी एक तरीके का वाद हैं। ये देखो ये हूँ एक उन्हें खज्जी वगैरह रही है भी आ इतना चीकू है तो भी आ एक अनार आई वो शुद्ध अपना सूख के सारा खत्म थी गया। तो हूँ जुलाए पे जितना अपना मतलब माल वगैरह रख दें तो उतना एक छोटी जी जापड़ी खड़ी ये मेन इंटर वाला दरवाजा जरा मेन दरवाजा है उन्हें ये हूँ भी तो सामने इतना अपना मुर्गियाँ वगैरह से मतलब जी बकरियाँ वगैरह मुर्गियाँ वगैरह गां मांझ इवें छोटिया मोटिया चीज़ा जरिया होने ना वो अपने सिर रखते क्योंकि बड़ी सारी एक तरीके जा है। देखो एडो भी उनका दरवाजा है मतलब बंदा भी वो सट्ट ना खाल भू या दाने शाने सट्ट वास्ते ये दरवाजा भी थोड़ा जहाँ खुलता है हेटो गए हवा वास्ते भी एक तरीके का है।
फिर तक मैं देखो उन्हें कला कोठा जरा बड़िया खड़े ना पुराने साल वाला तक मैं दिखा के जिन्हें मैं तो 70 साल पुराना है। बाकी ये है कि बोला तो ज्यादा भी थाम लें तो देख सकते हैं तो सामने ए तो दिखा के देवी इनके अंदर आना मुकम्मल रिव्यू तो दिखा के देवी तो कुछ सहन वगैरह दिखा के देना पतला सब चीज़ दिखा तो मैं सब चीज़ दिखाइए देखो बांस वगैरह सारी टूटी खड़ी है कई टाइम भी ठह सकती है लेकिन वो हाली भी एक नहीं बनाना चाहिए अज्ञा भी इन तक मैं खिड़कियाँ वगैरह भी दिखा के दे वाशरूम गुसलखाना भी दिखा के दे पर इन्हें मेन इंटर जरा दरवाजा ही भी तक दिखा के दे जे वाला इन्हें दे लगे गए दरख्त वगैरह वो भी तक सारे दिखा के दे तो भला हूँ करना पे वीडियो का एंड क्योंकि स्कूल का टाइम थी ना पे तो मेरे साथ सुबह का टाइम है वर्जिश वगैरह करके हूँ असा मैंने पे खैर ना घर दो पे असें पहले चलो ये कोठी खड़ी है तो वीवर को दिखाऊँ चो क्योंकि कुछ वीवर ये चीज़ा पसंद करें भाई पुराने वक्त सबको एक चीज़ देखनी चाहिए है तो फिलहाल मैं करा पे वीडियो का एंड भला इंशाल्लाह मिल सा अपने वीवर को अगली वीडियो फिलहाल वास्ते अल्लाह हाफिज़ शुक्रिया वीडियो वॉच करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया।